बंगाल के दो दिन के दौरे पर पीएम मोदी, ममता के गढ़ में नागरिकता कानून का उठाया मुद्दा। मोदी ने नागरिकता कानून पर बेलूर मठ में छात्रों से किया आह्वान, कहा राजनीति का खेल खेलने वाले जानबूझकर समझना नहीं चाहते। विद्यार्थी है वो भी समझ गए ना, जो आप समझ रहे हैं ना वो राजनीति खेल खेलने वाले समझने को तैयार नहीं है। पीएम मोदी ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का उठाया मुद्दा, कहा जो मानता है भारत का संविधान वो ले सकता है नागरिकता। असम समेत नॉर्थ ईस्ट के सभी छात्रों से पीएम मोदी की अपील, नागरिकता कानून पर फैलाए जा रहे भ्रम में ना फंसे। पीएम मोदी ने कहा सीए में हमने नागरिकता देने के प्रावधान को और आसान बनाया, पड़ोसी मुल्कों में पीड़ितों के लिए कानून। इनिशिएटिव का परिणाम है कि अब पाकिस्तान को जवाब देना पड़ेगा कि 70 साल में आपने वहां पर माइनॉरिटी के साथ ये जुल्म क्यों किया। पीएम मोदी ने कहा युवा शक्ति और युवा जोश 21वीं सदी में बदल सकता है 130 करोड़ भारतवासियों की तकदीर। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आज बेलूर मठ पहुंचे पीएम मोदी ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच किया ध्यान। नागरिकता कानून पर ममता की दो टूक, कहा बंगाल में नहीं होने दूंगी लागू। दिल्ली के जामिया में नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल शशि थरूर, सीएए को बताया लोकतंत्र पर धब्बा। जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रदर्शन में दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा भी शामिल, लगे नागरिकता कानून के खिलाफ नारे। दिल्ली में शशि थरूर के खिलाफ प्रदर्शन, जेएनयू के छात्रों ने किया मार्च। यूपी के शाहजहांपुर में सीए के समर्थन रैली में हंगामा, बीजेपी कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की। देश की 208 यूनिवर्सिटी के वीसी और शिक्षाविदों ने मोदी को लिखा खत, लेफ्ट प्रायोजित हिंसा पर जताई चिंता। जबलपुर में नागरिकता कानून के समर्थन में अमित शाह की रैली, संबोधन में राहुल ममता को दी चुनौती। ममता बनर्जी और राहुल बाबा को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में कहीं पर भी किसी की नागरिकता छीनने का प्रावधान है तो बता दीजिए। मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ को अमित शाह की नसीहत, कहा जो वादे किए थे पहले वो करो पूरे। राजस्थान के बाड़मेर में संघ का अनोखा अभियान, 500 बहनों का निकला मार्च, लगे राष्ट्रवाद के नारे। जेएनयू हिंसा में आज तक के स्टिंग ऑपरेशन का बड़ा असर, दिल्ली पुलिस ने अक्षत और रोहित को पूछताछ के लिए किया तलब। आज तक के कैमरे में कैद अक्षर ठाकुर के एबीवीपी कार्यकर्ता होने की पुष्टि, संगठन के कई रैलियों कार्यक्रमों में शामिल होने के सबूत। जेएनयू हमले में शामिल लड़की को लेकर आज तक का खुलासा, कोमल शर्मा नाम की ये छात्रा एबीवीपी की सदस्य। जेएनयू में सभी हॉस्टल का होगा सिक्योरिटी ऑडिट, वार्डन को प्रशासन ने भेजी चिट्ठी। जेएनयू छात्र संघ ने छात्रों से सिर्फ सेमेस्टर फीस 120 रुपए देने को कहा, हॉस्टल फीस का विरोध जारी। जेएनयू हिंसा में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की जांच तेज, 9 पहचाने गए आरोपियों को पूछताछ के लिए भेजा गया नोटिस। 9 आरोपियों में जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष आयशी घोष भी शामिल, छात्राओं से महिला पुलिस अफसर करेंगी पूछताछ। व्हाट्सएप ग्रुप यूनिटी अगेंस्ट लेफ्ट से जुड़े आरोपियों को भी दिल्ली पुलिस जल्द भेजेगी नोटिस, 60 में से 44 आरोपियों की पहचान। सर्वर रूम में तोड़फोड़ के आरोपों को जेएनयू छात्र संघ ने किया खारिज, आयशी घोष बोली 4 और 5 जनवरी को उसी सर्वर से भेजे गए थे कई मेल। विवादों में घिरे जेएनयू छात्रों के लिए अच्छी खबर, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस परीक्षा में 32 पदों में से 18 पर जेएनयू के छात्रों का चयन।
जेएनयू हिंसा पर कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने सोनिया को सौंपी रिपोर्ट। नेताओं ने 8 जनवरी को किया था कैंपस का दौरा। कांग्रेस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने की सिफारिश। जेएनयू के वाइस चांसलर को तुरंत बर्खास्त करने की मांग। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को ठहराया जवाबदेह। कमेटी ने दिया सुझाव। वीसी के अधीन हुई सभी नियुक्तियों और प्रशासनिक निर्णयों की कराई जाए स्वतंत्र जांच। जेएनयू में हिंसा पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का बयान। लेफ्ट विंग के नकाबपोश थे, अपने लोगों की कर दी पिटाई। लोग थे जो वामपंथी विचारधारा के ऐसे संगठन के युवकों ने और अपने ही छात्र युवकों को पीटने का काम किया। डीएमके प्रमुख स्टालिन के बेटे उदय निधि ने किया जेएनयू का दौरा। छात्रों ने उन्हें यूनिवर्सिटी में तोड़फोड़ जो हुई थी वो दिखाया। दिल्ली के शाहीन बाग में सड़क जाम कर चल रहे प्रदर्शन से गुस्साए लोग। जाम हटने के लिए सड़कों पर किया प्रदर्शन। मेघालय के मुख्यमंत्री की केंद्र से अपील। असम को सीएए के दायरे से रखा जाए बाहर। नागरिकता कानून के समर्थन में मोतिहारी में सड़कों पर उतरा जनसैलाब। हजारों की संख्या में लोगों ने किया प्रदर्शन। यूपी के बिजनौर में बीजेपी ने सीएए के पक्ष में निकाली रैली। वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे गूंजे। यूपी के हमीरपुर में बीजेपी ने सीए के समर्थन में निकाली तिरंगा यात्रा। चलाया जागरूकता अभियान। सहारनपुर में भी बीजेपी ने नागरिकता कानून के समर्थन में निकाली पदयात्रा। रक्सौल में सीए के समर्थन में जनसंवाद करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय। मंत्री के सामने लोगों ने ट्रैफिक नियमों की उड़ाई धज्जी। यूपी के गोंडा में योगी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने 100 मीटर लंबे तिरंगे के साथ किया मार्च। नागरिकता कानून पर नोटिफिकेशन के बाद यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का बयान। इसे लागू करने वाला सबसे पहला राज्य होगा उत्तर प्रदेश। जम्मू कश्मीर के त्राल में आतंकवादियों की सुरक्षा बल से मुठभेड़। 3 आतंकवादी ढेर। मारे गए आतंकवादियों में हिजबुल का टॉप कमांडर हमाद खान भी शामिल। नए साल का सबसे कामयाब ऑपरेशन। दक्षिणी कश्मीर से डीएसपी की गाड़ी से हिजबुल कमांडर नावेद बाबू और उसके सहयोगी आतंकी गिरफ्तार। डीएसपी को भी गिरफ्तार किया गया। श्रीनगर एयरपोर्ट पर एंटी हाईजैक यूनिट में तैनात था आरोपी डीएसपी देवेंद्र सिंह। श्रीनगर में उसके घर पर छापेमारी में 2 AK-47 और 5 ग्रेनेड जब्त। डीएसपी पर 2013 में संसद हमले के दोषी अफजल गुरु को दिल्ली पहुंचाने का शक। पुलिस इसकी भी कर रही थी जांच। उत्तराखंड में ओली बना बर्फ का समंदर। सड़क मार्ग बंद होने से पैदल आने के लिए मजबूर हैं पर्यटक। ओली जोशीमठ रास्ते में अभी भी 4 से 5 फीट बर्फ। पर्यटक स्कीइंग रिजॉर्ट में जमकर कर रहे हैं मस्ती। श्रीनगर में ताजा बर्फबारी। तापमान फिर पहुंचा माइनस के नीचे। जम्मू कश्मीर में मौसम विभाग की चेतावनी। 4 दिन तक जारी रहेगी बर्फबारी। शिमला में बर्फबारी और ठंड से हाल बेहाल। कई इलाकों में बिजली व्यवस्था ठप। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सोनगाड़ के पास एवलांच की लाइव तस्वीर। एक मजदूर की मौत। बर्फ टूटने से रास्ता साफ करने के काम में रुकावट। अभी भी इलाके में कई फीट तक जमी हुई है बर्फ। उत्तराखंड के टिहरी जिले में बर्फबारी से हाल बेहाल। लोगों का घरों से निकलना हुआ मुश्किल। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में हिमपात से रास्तों पर बुरा असर। राज्य में कुल 609 सड़कें बंद। गुलमर्ग में एक सार्जेंट लापता। देहरादून में परिवार का बुरा हाल। किन्नौर में सड़क पर आए ग्लेशियर का हैरत अंगेज वीडियो आया सामने। दूर तक सड़क पर बढ़ता दिखा बर्फीला पहाड़। आगे बढ़ते हिमखंड को देखकर गाड़ी में बैठे शख्स के छूटे पसीने। रिवर्स गियर से बचाई अपनी जान। दिल्ली बीजेपी ने सीएम केजरीवाल पर किया वीडियो वार। नायक फिल्म के डायलॉग को बनाया प्रचार का हथियार। राजधानी दिल्ली में चुनावी आचार संहिता के बीच गीता कॉलोनी इलाके में होंडा सिटी से 1,54,000 कैश बरामद। चुनाव आयोग की टीम कर रही थी चेकिंग। सिपाही भर्ती के लिए परीक्षार्थियों ने जान जोखिम में डालकर किया सफर। ट्रेन के इंजन पर लटके दिखे सैकड़ों छात्र। बेगूसराय की तस्वीरें। ग्रेटर नोएडा के गौरव चंदेल हत्या में 6 दिन के बाद भी हत्यारों का नहीं मिला सुराग। नाराज परिवार वालों के साथ लोगों ने पुलिस के खिलाफ किया पैदल मार्च। हरियाणा के पलवल में इंसानियत भी शर्मसार। नाबालिग को सगे चाचा और रिश्तेदारों ने बनाया हवस का शिकार। गुरुग्राम में पुलिस ने सुलझाई ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी। कार लूट के बाद दोस्तों ने 35 साल के शख्स की कर दी थी हत्या। गुरुग्राम में शातिर बाइक चोरों ने पुलिस ने धर दबोचा है। बाइक चोरी की दर्जनों मामलों में खुलासे की उम्मीद है।
यूपी के आजमगढ़ में हाईटेक चोरों की टोली धरी गई। लग्जरी कार से लूट और चोरी की वारदात को देते थे अंजाम। चोरी की लग्जरी गाड़ियां बरामद। यूपी के हापुड़ में धरे गए हाईवे के लुटेरे। 5 बदमाशों के पास से लूट की लाखों नकदी। लूट का ट्रक कार बरामद। यूपी के कानपुर में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश। फर्जी पत्रकारों का गैंग चला रहा था रैकेट। 2 लड़कियां समेत 6 गिरफ्तार। फरीदाबाद में बीजेपी कार्यकर्ता पर बदमाशों की फायरिंग। पुलिस में अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज। झारखंड के रामगढ़ में जाली नोट के साथ एक शख्स पकड़ा गया। पुलिस पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी हुई है। पंजाब के बरनाला में ऑटो वालों और टैक्सी वालों के बीच खूनी झड़प। मामूली सी टक्कर पर दोनों गुटों में खींची तलवारें। 4 जख्मी। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से अगवा शख्स बिहार के मुजफ्फरपुर से बरामद। पुलिस ने 4 अपहरणकर्ताओं को किया गिरफ्तार। बिहार के गया में पुलिस को बड़ी कामयाबी। 7 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। 6 लाख की विदेशी मुद्रा के साथ कई हथियार जब्त। मेरठ में दारोगा के डर से ऑटो चालक ने की आत्मदाह। रोज रोज की उगाही से आजीज आकर ऑटो वालों ने की खुदकुशी की कोशिश। दारोगा निलंबित। कन्नौज में एक और सड़क हादसा। पिकअप वैन और ओमनी वैन में टक्कर। 7 जख्मी। फरीदाबाद में कपड़ों की दुकान में आग। लाखों का माल खाक। कारणों की जांच जारी। कोच्चि में आज प्रशासन ने 4 अवैध टावर ढाए। सभी को गिराने में ब्लास्ट तकनीक का लिया गया सहारा। यमुनानगर में तेज रफ्तार होंडा सिटी का टूटा कहर। टक्कर लगने से 5 लोग घायल। सीसीटीवी में कैद वारदात। पंचकुला में भीषण सड़क हादसा। एक कार से टकराकर दूसरी गाड़ी हवा में उछली। पास में खड़ी गाड़ियों पर गिरी। सागर में मालगाड़ी के इंजन में फंसा बुजुर्ग। बाल बाल बची जान। दिल्ली के मायापुरी में जूता फैक्ट्री में लगी आग। 3 लोग झुलसे।